नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए जो अपना हो जाता है एजुकेशन का फर्स्ट पेपर, आगरा यूनिवर्सिटी वालों के लिए हो जाता है, और आपका जो सेकेंड पेपर है एजुकेशन का वो क्या रहने वाला है, एमसीक्यू रहने वाला है। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यू के लिए हमारी पीडीएफ का नोट्स आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जो सेकेंड पेपर होगा वो क्या होगा, एमसीक्यू रहने वाला है, तो उसके लिए आपको नोट्स खरीदना पड़ेगा। नोट्स दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आके आप ले सकते हो, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर आपका नहीं जाने वाला है। और फ्रेंड्स, इसकी भी नोट्स चाहिए, थ्योरी वाइज नोट्स भी हैं और एमसीक्यू नोट्स हैं, सभी के सभी दे रखे हैं, ठीक है, वहां पे आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की ओर, बीए सेकेंड ईयर एजुकेशन के फर्स्ट पेपर को देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनने वाले हैं। तो बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति, उपयोगिता, विधियां और निरीक्षण के सिद्धांत को आपको बताना है और इसके गुणों को बताना है, ठीक है। बात करते हैं अधिगम सीखना, अधिगम या फिर सीखने से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा, कारक और इसके नियम जो थे उसके बारे में देख लेना है। हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके एग्जाम में, तो हेडिंग बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ लेना इनकी, ठीक है। बात करते हैं थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयास था तथा वह त्रुटि सिद्धांत जो होता है उसके बारे में, इसके गुण दोष और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी आपको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिप्रेरणा अधिगम, जो अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य है, ये महत्व है, ठीक है, ये महत्व है, इसको आपको समझाना है। यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा होगा कि अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य है, ये महत्व को समझाना है, तो इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है, ठीक है। अभिप्रेरणा अधिगम क्या है इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अर्थ है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उसका क्या अर्थ होता है, कारण और महत्व को आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ देखा है बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन, जो बुद्धि के सिद्धांत होते हैं उनका वर्णन, मतलब हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है इनमें, ठीक है, और थ्योरी वाइज पढ़ लेना अच्छी प्रकार से। बात करते हैं विशेषताएं, उपयोगिता और उनके महत्व के बारे में आपको समझाना है, ठीक है। बात कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ रहा है व्यक्तिगत व्यक्तित्व क्या होता है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक, विशेषताएं और अनुवासिक कारक भी आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ व विशेषताएं, जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी अर्थ तथा इसकी विशेषताओं के बारे में, विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, वर्गीकरण महत्व को आपको समझाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, कि शिक्षा में पिछड़े बालकों, जो शिक्षा में पिछड़े बालकों की विशेषताएं, पिछड़ेपन के प्रकार भी आपको बताना है, हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता बालक की विशेषताएं, जो सृजनात्मकता बालक की विशेषताएं होती हैं उनको बताना है, उनकी पहचान कैसे की जाती है, ठीक है, उनकी हेडिंग और उनके बारे में थोड़ी लिखना अच्छी प्रकार से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेगा, मनोविज्ञान क्या है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर और महत्व बताइएगा, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर और महत्व को बताना है, और ये है क्या, इनके बारे में थोड़ी परिभाषा भी देख लेना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिरीक्षण विधि और जीवन इतिहास विधि के गुण आपको बताना है, आत्मनिरीक्षण विधि क्या है इसके गुण तथा जीवन इतिहास विधि क्या है इसके गुणों को बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रयोगात्मक विधि के लाभ, जो प्रयोगात्मक विधि होती है उसके लाभ क्या क्या हैं, गुण क्या हैं और दोष क्या कह रहे हैं, और यहाँ पर सीखना एक अनवरत क्रिया है ना, प्रक्रिया है, इसके बारे में ध्यान से पढ़ना है, ये इसका महत्व क्या है ना, सीखना एक अनवरत प्रक्रिया है, इसका महत्व को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तत्परता का नियम क्या है, इसकी उपयोगिता और थॉर्नडाइक की बिल्ली का प्रयोग जो था उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अदर क्या है, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अर्थ, महत्व और प्रकार के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट को देख लेते हैं, बुद्धि के एक खंडी तथा द्विखंडी सिद्धांत जो था, बुद्धि के एक खंडी व द्विखंडी सिद्धांत, और यहाँ पर बुद्धि लब्धि के बारे में, इनके बारे में डिटेल में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ रखा है मानसिक आयु, और रखा है अवेगात्मक बुद्धि और अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तियों की विशेषताओं के बारे में आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, प्रतिभाशाली बालक का अर्थ क्या होता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, और सृजनशील बालक क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट को देखते हैं, पिछड़े व मंद बुद्धि बालकों में अंतर आपको बताना है, पिछड़े व मंद बुद्धि बालकों में अंतर। तो फ्रेंड्स, बस इतने ही क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, अगर इतने क्वेश्चन आपने सारे के सारे अच्छे प्रकार से पढ़ लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। और एमसीक्यू वाले, जो सेकंड आपका पेपर होने वाला है एमसीक्यू, है ना, एजुकेशन का, तो वो भी क्या करना है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसका लिंक नोट्स का, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और थ्योरी भी दे रखी है, थ्योरी जो अदरवाइज हो जाती है ना, दो वाले पेपर, फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर, तो इसका थ्योरी वाइज भी आप याद कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है नोट्स का, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल।
तो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। सेकंड जो अपना सेकंड हो जाता है, मतलब थर्ड जो होगा एजुकेशन का, एजुकेशन का जो थर्ड पेपर रहने वाला है उसको देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर सभी लोग क्या करना है, यहां पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर हमारे कंप्लीट आते हैं। तो फ्रेंड लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोट्स जरूर डाउनलोड करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।